चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की इस क्वेश्चन की डिमांड हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताया जाए हमको। तो इसमें देखेंगे गिवन क्या है। गिवन ए इज इक्वल 8 एंड ए एन की वैल्यू है 62, एस एन दिया है आपको 210, देन यू वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड डी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। एक एस एन इज इक्वल टू, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए पर्सनली कौन सा फार्मूला लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, ये एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस एन आपके पास गिवन है और ए एन भी गिवन है, दो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस फार्मूले में आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों चीज़ें मिल रही हैं। देखिए एस एन आपको दिया है, ए एन दिया है और ए की वैल्यू दी है, ठीक है, और एन निकालना ही है तो एन काम करेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और लास्ट में जब इतना कंप्लीट होगा तो ए एन लगा देना है, और ए एन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज और डी। बस दो फार्मूले से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, दो फार्मूले लगाइए और फाइंड हो जाएगी वैल्यू आपकी डी। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहला फार्मूला अप्लाई करते हैं सच दैट करके। पहले गिवन में आपको लिख लेना है जितना भी डेटा है, तो क्या है गिवन, आपको गिवन एज इज इक्वल 8 एंड एन इज इक्वल टू 62 एंड आल्सो यू हैव गिवन एस एन इज इक्वल टू 210, देन सच दैट मेंशन इट हियर। अब आपको एस एन का फार्मूला लगाना है, यही एस एन, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, पुट करिए वैल्यू, एस एन की वैल्यू 210 इज इक्वल, एन की वैल्यू दी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज ए, ये आपके पास कितना है 8, यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन 62, पुट इट हियर द वैल्यू ऑफ ए एन, देन 210 पुट करिए एंड अपॉन 2 लिखिए इन टू करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आएगा, 8 प्लस 62, ठीक है, देन 210। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो कितना है 35, तो इज इक्वल टू एन इंटू 35 हुआ, देन 210 35 इंटू में इधर तो डिवाइड आ गया, तो 35 इज इक्वल टू एन, इन दोनों को वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, ये 6 टाइम गया और एन की वैल्यू 6 35 6 जो होता है 210, या कि आप चाहें तो इसको दूसरी मेथड से भी आप डिवाइड कर सकते थे। देखिए कैसे, यदि आप चाहते हैं इसको काटना तो ऐसे 7 से काटिए, 7 3 21 ये, और 3 से काटेंगे तो 3 से 23 और 3 2 6 एक मिनट, यहाँ पे 7 नहीं 35 था, 7 3 21 वो ठीक ही था, 7 3 21 7 5 35, फिर 5 से काट दे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, एक मेथड है। दूसरी मेथड अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे 35 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी कैसे, यहाँ पे 5 का डिवाइड करिए, 5 चौक 20 5 2 10 5 7 35 और 7 से 7 6 42, ठीक है ना। तो आपके पास मेन्यू ऑप्शन है, आप जिस ऑप्शन को पसंद करें उस ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ मैंने 35 6 जा अप्लाई कर दिया, ठीक है। नहीं चाहते हैं अगर ऐसा डिवाइड करना तो फिर आप लिख सकते हैं, देखिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 210 अपॉन 35 5 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21 और 7 5 जा और 5 6 जा, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, इस प्रकार से दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो एन का जो मान है वो कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, ये याद रखना है ना, क्योंकि ये आपको फाइंड करना था, ये देखिए शुरू में फाइंड क्या करना था, एन की वैल्यू, और जब एन आ जाएगा तो आपको ए एन लगाना है फार्मूला। चलिए ए एन लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो लिखिए ए एन इज इक्वल क्या है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, पुट करिए, अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करना,
एन आपके पास कितना दिया है 62, इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 8 दी है, 8 प्लस एन, एन की वैल्यू आपने 6 गेट किया है, इधर देखिए नीचे ये -1 ब्रैकेट डी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, तो यही गिवन नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है। अब ये जो 8 है ना, ये 62 और -8 हो गया, प्लस में था इधर आ गया माइनस, 6 में 1 गया तो कितना हुआ 5 इंटू डी, ठीक है दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हुआ 54 इज इक्वल 5 इंटू डी, 54 अपॉन 5 इज इक्वल डी। यू वांट टू टेक इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज इज इक्वल डी इज इक्वल कितना होगा 54 अपॉन 5। और इस प्रकार से कहा जाए कि ये भी क्वेश्चन हुआ सॉल्व, क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो चुका था पहले भी, बट दो वैल्यू हमें गेट करनी थी, एक ही एन यहाँ इम्प्लाइज करके आप लिख देना एन इज इज इक्वल 6, ठीक है इसको बोल के हटा देता हूँ, एन इज इज इक्वल कितना हो जाएगा 6, ये आपकी वैल्यू ठीक है, और एक हो जाएगा डी की वैल्यू, हेंस क्या क्या प्रूव हुआ एन इज इक्वल 6 एंड डी इज इक्वल 54 बाय 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है।